दोस्तों आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है इंडियन टेलीग्राम इंडस्ट्री लिमिटेड, जो दोस्तों एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो यहाँ पे दोस्तों फ्रेशर्स के लिए परमानेंट वैकेंसी आ रखी है, जहाँ पे दोस्तों ऑल ओवर इंडिया के फ्रेशर्स कैंडिडेट जो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे दोस्तों तो ज़रूर लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल में और भी ढेर सारी वैकेंसीज अपलोड हैं, आप जो है उसको देख सकते हैं। हम जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं दोस्तों, तो एक प्यारा सा लाइक तो मेरे हिसाब से बनता है। तो बात करते हैं दोस्तों ITI, दोस्तों इस कंपनी का नाम जो है ITI लिमिटेड है, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया इंडियन टेलीफोनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जिसका जॉब लोकेशन आपका रायबरेली में होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, तो पहले कंपनी के बारे में कि कंपनी बेसिकली है क्या, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको इन कंपनी के बारे में नहीं मालूम है। तो दोस्तों ये एक टेलीकॉम कंपनी है, जो प्रोडक्ट टेलीकॉम जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि दोस्तों स्विचिंग, ट्रांसमिशन, SS और यहाँ पे जो इक्विपमेंट होते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे काम करती है। तो ये दोस्तों एक गवर्नमेंट कंपनी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और रेलवे की सेक्टर में जितने भी इक्विपमेंट लगते हैं उनके लिए यहाँ पे काम किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी आ रखी है डिप्लोमा इंजीनियर के लिए। तो यहाँ पे बात किया जाए मैकेनिकल के लिए 29 वैकेंसी आई हुई है, इलेक्ट्रिकल के लिए 7 वैकेंसी, और जो इलेक्ट्रॉनिक वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 4 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। दोस्तों अगर मैं इसको कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करूँ, तो यहाँ पे जो मैकेनिकल वाले ब्रांच की बात किया जाए तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल में 11 सीट रखी गई है जनरल्स के लिए, इलेक्ट्रिकल में 3 सीट, इलेक्ट्रॉनिक में 3 सीट यहाँ पे रखी गई है। इसी तरह दोस्तों EWS कैंडिडेट के लिए 3 सीट मैकेनिकल में, 1 सीट जो है इलेक्ट्रिकल में रखी गई है। OBC की बात की जाए तो 8 सीट जो है दोस्तों मैकेनिकल में, 2 सीट जो है इलेक्ट्रिकल में और 1 सीट जो है इलेक्ट्रॉनिक में OBC कैंडिडेट के लिए। जो SC वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 सीट जो है मैकेनिकल के लिए, 1 सीट जो है इलेक्ट्रिकल के लिए, और ST कैंडिडेट के लिए 2 सीट सिर्फ मैकेनिकल के लिए यहाँ पे आई हुई है। टोटल दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 45 प्लस वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, 45 वैकेंसी जो है यहाँ पे आई हुई है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको मालूम चल गया होगा कि यहाँ पे डिप्लोमा के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है रेगुलर डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है। रेगुलर बोले तो दोस्तों जैसे बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो डिस्टेंस डिप्लोमा करते हैं, यहाँ पे जो है आपको रेगुलर डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल ब्रांच होना चाहिए, यहाँ पे मिनिमम 60% रिक्वायरमेंट है। और जो SC/ST कैंडिडेट है उनके लिए 55% यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। दोस्तों अब यहाँ पे ये बात आती है क्या यहाँ पे लेटरल इंट्री के कैंडिडेट जो हैं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है लेटरल इंट्री हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। दोस्तों आप लेटरल इंट्री हो तो भी जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों लेटरल इंट्री का मतलब ही होता है दोस्तों 3 ईयर। यहाँ पे जैसे कि 10वीं पास, इसके बाद जो है आपको डिप्लोमा के लिए बताया गया, इसलिए यहाँ पे 3 ईयर लिखा गया है। लेकिन अगर आप लेटरल इंट्री डिप्लोमा कर रखे हो तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, आप घबराइए नहीं, आप कोई भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी जो आपको यहाँ पे दी जाएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सैलरी है दोस्तों आपका 19,000 बेसिक रखा गया है, 19,000। इसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एक लमसम की बात करूँ तो आपको लगभग 38,000 पर मंथ जो है सैलरी मिलेगी, क्योंकि जो इसका पे स्केल है दोस्तों उसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो इसका जो बेसिक पे है वो आपका 19,000 है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो इसके साथ साथ जो है आपको बाकी सुविधाएँ भी जो है यहाँ पर मिली जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट जो है 30 साल रखा गया है, बाकी जो रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट के हिसाब से OBC के लिए 3 साल, SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल यहाँ पे रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें जो है आपका पहले तो जो आपने डिप्लोमा मार्क्स पा रखे हैं उसके बेसिस पे जो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, मतलब सिलेक्शन हुए तो एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए, रिटन टेस्ट के बेसिस पे जो है यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो है रिटन टेस्ट होगा, जो फाइनल सिलेक्शन है आपका वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा। रिटन टेस्ट का जो सिलेबस होगा दोस्तों
अभी तक इसका पेपर कभी कंडक्ट नहीं कराया गया, पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों, इसमें जो है परमानेंट वैकेंसी आई है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे जो 75% क्वेश्चंस रहेंगे आपके टेक्निकल फील्ड से रहेंगे, रिमेनिंग 25% दोस्तों नॉन टेक्निकल क्वेश्चन हो सकते हैं। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि अभी तक इसका पेपर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों आने वाले दिनों में कि मुझे कहीं से इसका पेपर या फिर प्रीवियस ईयर में कभी भी जो इसका पेपर हुआ हो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, तो ज़रूर मैं प्रोवाइड करूँगा। आप उसके लिए चिंतक रहिए, आपके लिए हम हमेशा वर्क करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आप बेझिझक रहिए, हम आपके लिए अगर मिलता है कहीं से तो मैं आपको जुगाड़ करके देता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट वगैरह है। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, quicktechdu.com इस वेबसाइट, आप पहले भी सुना होगा इसका नाम, उस वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर जो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, इसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन भी मिलेगा। तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 18 मार्च से। जी हाँ दोस्तों, ये जो फॉर्म है ये एक्टिवेट होगा 18 मार्च 2021 से, और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों ये जो है 26 मार्च 2021 यहाँ पे रखी गई है। तो लगभग इसमें अगर आप देखोगे तो 8 दिन का जो है आपको यहाँ पे समय मिलेगा, तो 8 दिन के अंदर जो है फॉर्म को फिलअप कर लेना है। और इसका फॉर्म को फिलअप करके आपको इसकी जो हार्ड कॉपी है, ये हार्ड कॉपी इस एड्रेस पर सेंड कर देनी है। तो एड्रेस जो है आपको यहाँ पे सामने शो कर रहा है, एड्रेस जो है आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से करना होगा। तो आप जो है ये एड्रेस नोट कर लीजिए, इस एड्रेस पे जो है भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है आपका 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको हमारे चैनल में पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसलिए हम आपको ये इन्फॉर्मेशन ले के आए हैं। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। इसका जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा आईटीआई कंपनी का नाम है दोस्तों, ऐसा मत समझिएगा। आईटीआई जो है बहुत से कैंडिडेट जो है आईटीआई सोच के वैकेंसी डिटेल देखते ही नहीं है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा। ये इंडियन टेलीफोनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है इसका नाम है, तो इसमें जो है इसे रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसके रिगार्डिंग। एप्लीकेशन फ़ी के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए। और एक बार फिर बता दूँ आप अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों अप्लाई करने के लिए बहुत से कैंडिडेट जो है मुझे कमेंट करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, गूगल में जाइए, आप सर्च कीजिए quicktechdu.com या वेबसाइट सर्च कीजिए। इस वेबसाइट पर दोस्तों आपको गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब्स और प्रीवियस के पेपर भी मिल जाते हैं दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेबसाइट है ये। इस वेबसाइट विजिट कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से मिल जाएगी। तो आप जो है यहाँ पे जाके इस वैकेंसी के साथ साथ और भी जो वैकेंसीज अपलोड हुई हैं जो आती हैं आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो इस वेबसाइट पे डेली विजिट कीजिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो आप लोगों को देनी थी। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।